दुनिया को झकझोर देने वाले कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 91 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और देश की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया है। देश के सभी प्रदेशों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए दिन प्रतिदिन त्वरित कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी के देवरिया जिले में कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने सक्रियता दिखाते हुए जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में तैयारियों का जायजा भी लिया। इसी के साथ ही सीएमओ को निर्देशित भी किया कि साफ सफाई के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बाबत जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शुरुआती स्तर पर 10 बेड का वार्ड भी तैयार कर लिया गया है, जिससे इस बीमारी से पीड़ित मरीज को समय रहते इलाज मुहैया कराया जा सके। यहाँ आइसोलेशन वार्ड में उपस्थित उपलब्ध है और जो इसके SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी अभी मैंने देखा है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा VC ली गई है और उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के CMO साहब हैं, हमारे एडिशनल CMO साहब हैं, CMA साहब हैं, सारी जानकारी यहां दे दी गई है। देवरिया से जनमत न्यूज के लिए लाल बाबू की रिपोर्ट।